फ्रेंड्स, नली टेस्टी टेस्टी फूड में आप सभी को रंजना का सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ रबड़ी स्टफ ड्राई फ्रूट्स खोया ब्रेड गुलाब जामुन। तो देखिए, यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है और उसको अच्छे से रिड्यूस कर करके इसको एकदम एक अच्छी वाली रबड़ी बना दूंगी। तो अभी रबड़ी बनाने के लिए दूध गरम अच्छे से कर ली हूँ और इसको इसी तरह से चलाते चलाते एक पतली वाली रबड़ी बनाऊंगी। रबड़ी तैयार हो रही है, तब तक मैं यहाँ कुछ काजू ली हूँ और बादाम गिरी ली हूँ, इसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। यहाँ फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से खोए रखा है और उसमें काजू बादाम गिरी पिस्ता सब मिला रही हूँ और इसको मैं गुलाब जामुन के अंदर स्टफ करके बनाऊंगी। अभी इसमें थोड़ी सी मैं केसर भी मिलाऊंगी। यहाँ ब्रेड्स मैंने लिया है एकदम ताजी वाली और अब मैं क्या करूँगी कि इसके किनारे निकाल लूँगी ऐसे करके। और इस किनारे को भी मैं अलग रेसिपी में यूज करूंगी। अभी पहले इसके मैं किनारे निकाल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ब्रेड का किनारा निकाल लिया है और इतने सारे जो किनारे के निकले हैं इसको मैं रख दूंगी और ये बहुत काम आती है। इसको मैं रख देती हूँ। अब ब्रेड के मैं ऐसे छोटे छोटे पीस कर ले रही हूँ और बाउल में डालते जा रही हूँ। फटाफट से ये बन जाती भी है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मैं सारे तोड़ लेती हूँ। अब इसमें मैं हल्का गुनगुना दूध, एकदम हल्का सा गुनगुना दूध लेके डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर रखूंगी सॉफ्ट होने के लिए। रबड़ी तैयार हो चुकी है, मैं इसको हल्की पतली रखूंगी और अब इसमें मैं चीनी दूंगी और सिर्फ 2 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अब इसमें मैं इलायची के पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। गुलाब जामुन के लिए मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ, 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कटोरी पानी। हमें सही नाप के साथ बनाना है और इसका एक चिपचिपा सा हमें चाशनी तैयार करना है। बस शुगर सिरप रेडी करना है। दूध में ब्रेड घुल चुकी है, अब इसमें मैं थोड़ी सी प्योर घी डाल रही हूँ, मिला ले रही हूँ अच्छे से। घी डालने से बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट से बनती है और दूध भी डाली गई है। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब हाथों में थोड़ी सी मैं घी लगा ली हूँ और जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से छोटी छोटी मैं यहाँ ले रही हूँ और ऐसे बीच में जो हमने खोया तैयार किया था ड्राई फ्रूट्स डाल करके उसको मैं डाल रही हूँ और इसको मैं फिर इस तरह से भर के मिला लूँगी। इस तरह से मैं भर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को या और ऐसे हल्के हाथों से देखिए एकदम चिकना कर ले रही हूँ, गोल कर ले रही हूँ।
कितनी अच्छी गोल हुई है। इस तरह से ही मैं सारा तैयार कर लेती हूँ। अब मैं ऑयल में डाल रही हूँ और एकदम फ्लेम को मैं धीमा कर दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है, देखने में इतनी अच्छी लगती है तो फिर टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो एकदम इसको अच्छे से मैं ब्राउन कलर से करके तल लूंगी। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब सेकंड बैच में डाल रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जो हमने इसके लिए स्टफ खोया रेडी किया था उसमें मैंने सिर्फ दूध को गाढ़ा किया है और उसका खोया तैयार किया है, उसमें मैंने चीनी नहीं डाला था और खोया रेडी होने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको चाशनी में डालेंगे और हमारी जो रबड़ी है वो भी मीठी है, इसलिए मैंने इसका स्टफ में चीनी नहीं डाला है। अब मैं हल्की गुनगुने चाशनी में इसको डाल रही हूँ और देखिएगा थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा ये स्पंजी हो जाएगी, एकदम साइज में भी ये बड़ी हो जाएगी चाशनी पीने के बाद। देखिए फ्रेंड्स ये तीसरा बैच तैयार हो रहा है और इसी तरह से मैं सभी को छान लूंगी। अब मैं बाउल में डाल दी हूँ और इसमें थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, अभी भी चाशनी हल्की गर्म है। और इसी तरह से ये आधे घंटे एक घंटे तक ऐसे चाशनी में रहेगी तब बिल्कुल से एकदम अंदर तक इसकी रस चली जाएगी और बहुत ही टेस्टी फिर लगेगी। तो ये जब ठंडी होगी तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रख दूंगी। आधे घंटे हो चुके हैं, अब मैं निकाल चुकी हूँ और अब मैं इसमें रबड़ी डाल रही हूँ। आप ऐसे भी खाली खाएंगे भी तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो हमारे घर में रबड़ी वाली ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं इसलिए बना रही हूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, रबड़ी सूजी की गुलाब जामुन बनाएं या फिर ब्रेड की या फिर मावा की, अगर रबड़ी साथ में रहो तो उसकी टेस्ट और अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और जो नए नए आए हैं प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग शो में बने हुए हैं, आप लोगों का प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलती हूँ एक रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।